ये मेरा कन्यादान नहीं कर सकते। इनके हाथों मेरा कन्यादान नहीं हो सकता। अनु, ये तुम क्या कह रही हो? इसी शुभ घड़ी के लिए मैं इतनी दूर से आया हूं यहां पर। अब तो आप आ गए हैं, लेकिन तब कहां थे? जब स्कूल में पेरेंट्स डे पर मेरी मामा अकेली आती थी, लोगों की तीखी नजरें, उनके तानों का सामना करती थी सिर्फ मेरी खातिर। नहीं, आपको मेरा कन्यादान करने का कोई हक नहीं है पापा, कोई हक नहीं है। मेरा कन्यादान सिर्फ मेरी मामा करेंगी, सिर्फ मेरी मामा। असंभव। रीति रिवाज के अनुसार पुरुष ही कन्यादान कर सकता है, सिर्फ पुरुष। अफसोस तो यह है कि मेरे पापा ने कभी पुरुष का फर्ज ही नहीं निभाया, लेकिन मेरी मामा ने परिवार की स्त्री और पुरुष दोनों का फर्ज निभाया। और आज ये मेरा फैसला है। अगर मेरी मामा मेरा कन्यादान नहीं कर सकती तो ये शादी मैं नहीं करूंगी। बहन जी, अब आप ही इसे कुछ समझिए। अनु, मेरी बात सुनो। मेरे लिए इतना काफी है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत है, प्यार है। तुम मेरी संघर्ष को, मेरी कुर्बानियों को पहचानती हो, कदर करती हो। बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन तुम्हारा कन्यादान करता है। जब तक तुम मेरे दिल में बसी हो, मुझे ऐसा ही लगेगा कि तुम्हारा कन्यादान मैंने किया है। सच। ठीक है मामा, अगर समाज की यही रीत है कि कन्यादान सिर्फ पुरुष ही कर सकता है तो